गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू इकोमर्स जोन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है और उनमें से ये एक है, दैट इज कॉल वोकैब सेक्शन। ये बहुत सारे सेक्शन होते हैं इंग्लिश में, बट ये जो सेक्शन आपका है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब आप द हिंदू या टेलीग्राफ या हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह के वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब आप कभी नोवेल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, पोएम या पोएट्री पढ़ते हैं, तो भी आपको ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये मिल नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन समथिंग इन इंग्लिश एट दैट टाइम दीज वर्ड्स विल हेल्प, ठीक है, वो भी आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर वन वर्ड में देखा जाए तो 98, मैं आपको बता रहा हूँ 95, 96, 98% जो है आपका वर्ड मीनिंग इंग्लिश पर कमांड करता है। अगर आपके पास वर्ड मीनिंग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इंग्लिश में, और वर्ड मीनिंग नहीं है तो कोई कितना अच्छा टीचर पढ़ा दे, कितना अच्छा आप समझ जाए, कुछ भी नहीं। तो मैं बता रहा था कि ये जो आपका वोकैब सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी मैं बोला न्यूज़पेपर में या फिर नोवेल में, ड्रामा में, प्ले में, पोम, पोएट्री, सब जगह, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो ये वर्ड मीनिंग पढ़ा रहा हूँ सिर्फ कोई एक क्लास के लिए। ये आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये आपको हेल्प करेगा स्पोकन इंग्लिश में, ये आपको हेल्प करेगा पढ़ने लिखने में, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ए टू जेड चीज़ में हेल्प करेगा, ओके। तो ओवरऑल देखा जाए तो वर्ड मीनिंग मेजर चीज़ होता है, मेजर थिंग्स होता है किसके लिए? इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। सो विदाउट बीइंग डिले लेट्स गो वोकैब 10 रूट वर्ड्स बाय यू नो डिस सेक्शन मेथड। डिस सेक्शन मेथड से बता रहा हूँ। डिस मीन्स यू नो मतलब क्या, अलग करना। सेक्ट मीन्स काटना, काट काट के अलग करके फिर मीनिंग बताना। और रूट वर्ड मेथड से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप बताता हूँ, ए एम बी एम अगर कहीं भी रहेगा तो इसका मतलब होता है टू गो या टू वॉक, जाना या फिर चलना, टहलना, ओके। नाउ सो फर्स्ट वर्ड्स यू नो कम्स फ्रॉम दिस रूट वर्ड एम्बल। एम्बल मीन्स, ए एम बी मीन्स टू वॉक, और एली वर्ब को दिखाता है, मीन्स टहलना। टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स स्पीड, ठीक है ना, इसको एस्ट्रॉल भी बोलते हैं। कितना अच्छी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स है, एस्ट्रॉल, ठीक है। और ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे चलना, और मोजी यू नो एंड ट्रक। ये 1, 2, 3, 4 जो आपके मैं सिनोनिम से लिखा हूँ, ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जीवन में आते ही हैं। नाउ सेकेंड यू नो वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, एम्बुलेंस। ये तो आप जानते ही होंगे, 100% स्टूडेंट या पर्सन जो है ऐसा नहीं है कि दे माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड। और आप एम्बुलेंस, एक वैन होता है, आप देखे होंगे, तो एम्बुल मीन्स टू वॉक, और एएनसी, देखिए जहाँ भी सी रहेगा ना वो नाउन को डिनोट करता है, ओके। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ डांस, तो सी आ गया तो नाउन। मैं बोला ए डी वी आई सी एडवाइस, तो सी हो गया तो नाउन, ओके, क्लियर हो गया ना। पी आर ए सी टी आई सी प्रैक्टिस, यू नो, तो ये पी आर ए सी प्रैक्टिस सी हो गया ना, तो ये आपका नाउन। तो सी सी मन मीन्स क्या होता है, नाउन बच्चे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो ए एन सी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट में मैं जो आपको बता रहा हूँ, ए व्हीकल दैट मूव्स ए पेशेंट, एक गाड़ी है जो एम्बुलेंस में किसको ले जाते हैं, कन्फर्म पेशेंट को ले जाते हैं, ठीक है, ये तो एम्बुलेंस हो गया। नेक्स्ट में क्या है बच्चे, एम्बुलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जानते होंगे। ये आपको एम्बुलेंट कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप कहीं एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह से रख करके ट्रॉली ले जाते हैं ना, बैग वगैरह और बच्चे, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंट, ठीक है। एम्बुल मीन्स टू वॉक, एंट मीन्स एडजेक्टिव को बताता है, वॉकिंग और मूविंग अराउंड, इधर उधर घूमने वाला, ठीक है, उसको ले करके, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंट। अब देखिए एम्बुलेटरी क्या है, एम्बुल मीन्स टू वॉक, और ऑब्जेक्टिव को दिखाता है, वॉक अराउंड ईजिली एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोबाइल, ठीक है। तो देखिए इधर उधर घूमने वाला ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और ये जो मोबाइल मैं बोला ना एम्बुलेटरी, ये आई सेलेक्ट माई टंग, मैं आपका थोड़ा सा मैं सेलेक्ट कर गया था, एक्चुअली ये वाला वर्ड मैं यहाँ बता दिया, ठीक है। ये मोबाइल है जिसको हम एयरपोर्ट में लेके इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एम्बुलेटरी। और एम्बुलेंट क्या होता है, इधर उधर घूमने वाला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंट। लेकिन याद रखिएगा दोनों में बहुत कॉमन है कि इसमें भी हो सकता है कोई सामान हो जो इसको इधर उधर लेके घूम रहे हो, और इसमें भी वही है, ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट में आते हैं सरकम एम्बुलेंट। देखिए सरकम मींस क्या होता है, अराउंड होता है, जो चारों तरफ, जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, इसके चारों तरफ, तो सरकम हो गया। और एम्बुल मींस टू वॉक होता है, ए टी जहाँ भी रहेगा आपको वर्ब को दिखाएगा, टू वॉक अराउंड और रिचुअलिस्टिकली, ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिचुअलिस्टिकली, तो परिक्रमा करना होता है। जैसे मान लीजिए ये सन है ना,
सन के चारों ओर क्या होता है, परिक्रमा करता है, कौन, अर्थ, कौन करता है, अर्थ, ओके। तो अर्थ सन के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आप हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये हो गया आपका सरकम एम्बुलेंट, चारों तरफ परिक्रमा करना। नेक्स्ट में है प्रियम्बोल, प्रियम्बल, यू नो इसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, 100% इसको भी जानते हैं हम लोग, प्रेयर करते हैं उस समय हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए, तो आप जानते होंगे प्रियम्बुल। तो प्रियम्बुल को हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, प्रस्तावना, ओके। इसका प्री मीन्स क्या होता है, बिफोर, प्री तो एक एफिक्स है, इसका मीन्स बिफोर होता है, एम्बुल मीन्स टू वॉक होता है, यहाँ इंग्लिश क्या होगा, एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग बिफोर यू वांट टू से एनीथिंग, ठीक है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप भारत के संविधान पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे गाइज, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वेरी गुड, सबसे पहले आप प्रियम्बुल पढ़ेंगे, यानी प्रस्तावना पढ़ेंगे कि क्या है। प्रस्तावना को हम हर्ट भी बोलते हैं, मैंने हृदय है, उसमें टू जेड आपको चीज मिल जाएगा जो आप अंदर देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, पैराएम्बुलेट, ये देखिए पैराएम्बुलेट, एटी हो गया, तो आप जानते होंगे एटी भर्व को दिखाता है, तो पैर में पैर पर मींस क्या होगा, ऑल ओवर, और एम्बुल मींस टू वॉक, और एटी भर्व को दिखाता है, इसका मतलब होता है स्लोली वॉक अराउंड ए प्लेस, ठीक है, मतलब कोई भी जगह है ना, हम धीरे धीरे उसको मोइजी भी बोलते हैं और वॉक अराउंड बोलते हैं, वॉक अबाउट बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना को बोलते हैं पैराएम्बुलेट, ठीक है, मतलब भ्रमण करना धीरे धीरे होता है ना, सॉरी हम लोग सुबह सुबह होता है क्या कि हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, इवनिंग में भी धीरे धीरे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोइजी, या वॉक अराउंड इधर उधर घूमना, या वॉक अबाउट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये सेवंथ नंबर मैंने आपको बताया कि एम मीन्स टू वॉक और टू गो होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह से और मैं आपको वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, खास करके वोकैब सेक्शन का, और मैं समझता हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश, यू मस्ट इम्प्रूव योर वोकैब सेक्शन, यू हैव कमांड ओवर वोकैब सेक्शन, वन डे यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। फ्रॉम माई साइड, मेरे तरफ से यही दुआ है, मैं आपको यही, मैं आपसे यही, मैं आपके लिए यही दुआ करता हूँ कि आप जल्दी सीख पाए। बट प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मैं बार बार पर डे यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखिएगा एक लास्ट में वर्ड बोलना चाहता हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, आप भी विजेता बने, यही मेरी दुआ है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।